नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यहाँ हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम बैक टू एसक्यूएल लर्निंग सीरीज़। मैं हूँ प्रवीण। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एसक्यूएल प्रिविलेज के बारे में। एसक्यूएल प्रिविलेज मतलब क्या होता है, इस वीडियो में हम देखते जाएंगे। आपको मालूम है प्रिविलेज वर्ड मतलब सहूलत जैसा, मतलब प्रिविलेज करता है जिसको, आपको मालूम है, जो परमिशंस दिया हो कुछ तो उससे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, मतलब हमारे लिए कुछ तो आसान होने वाला चीज़ है उसके लिए प्रिविलेज हम बोल सकते हैं। तो देखिए, इसका डेफिनेशन देखेंगे, आपको मालूम होते जाएगा कि प्रिविलेजेस मतलब क्या है। हम पूरा बिगिनिंग से पूरा स्मॉल लेवल्स, बिगनर लेवल से सीखते जाएंगे। देखिए दोस्तों, इन ओरेकल एसक्यूएल डेटाबेस प्रिविलेजेस आर परमिशंस ग्रांटेड टू यूजर्स और रोल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन ऑन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बता दिया था, मतलब परमिशंस देता है, ग्रांट करते हैं, परमिशंस ग्रांट करते हैं कि हम स्पेसिफिक ऑपरेशंस डेटाबेस ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सके, जैसे कि इंसर्ट टेबल कर सके, क्रिएट टेबल कर सके, अल्टर टेबल कर सके। जैसे कि हमने पूरा सिंटैक्स देख लिया है, पूरा का पूरा जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी देखा है, इंसर्ट टेबल कैसा करना, क्रिएट कैसा, रीनेम कैसे टेबल को करते, ये सभी प्रिविलेजेस है, मतलब वो प्रिविलेज दे सकते हैं। इसलिए प्रिविलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हम कैसे प्रिविलेजेस, नया यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, नया यूज़र कोई है तो उसको क्या क्या प्रिविलेजेस देंगे। जैसे कि अभी एक कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉय रहता है, उसको एक काम दिया, असाइन किया रहता है, तो उसको कौन सा प्रिविलेज देना चाहिए, मतलब वो कौन सा काम कर सकता है ओनली, मतलब उतना जिसका रिलेटेड है उतना ही प्रिविलेजेस देके उसको हम छोड़ सकते हैं। देखिए, इसका दीज ऑब्जेक्ट्स कैन इंक्लूड टेबल्स, व्यूज, प्रोसीजर एंड अदर डेटाबेस एलिमेंट्स। मतलब जैसे कि हमने टेबल्स देखा है, व्यूज, प्रोसीजर, टेबल्स के ऊपर स्पेसिफिक प्रिविलेजेस देंगे, डेटा इंसर्ट करने के लिए, डेटा अपडेट करने के लिए, डेटा डिलीट करने के लिए, ये प्रिविलेजेस है जो हम यूज़र को स्पेसिफिकली दे सकते हैं, इसलिए प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट है। प्रिविलेजेस कंट्रोल्स एक्सेस टू डेटा एंड इंश्योर सिक्योरिटी विद इन द डेटाबेस टेबल। जैसे कि हम परमिशंस दे सकते हैं, प्लस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही, देखिए जैसे कि हमारे कोर टेबल रहता है, बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, वो सभी हम जो यूज़र को नहीं दे सकते ना, जैसे कि इनकेस वो देख लिया, वो चेक कर सकता है, मतलब देख सकता है, नहीं तो उसको डिलीट कर सकता है। यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, स्पेसिफिक प्रिविलेज दिया रहता है जो एम्प्लॉय रहता है उसको, नहीं तो जो हमारा क्लाइंट रहता है, जो वो ओनली देख सकता है, कुछ डेटा को ओनली रीड कर सकता है, जैसे प्रिविलेजेस दे सकते हैं, वो कुछ भी अपडेट नहीं करेगा और डिलीट भी नहीं करेगा, मतलब जो प्रिविलेजेस हम दे सकते हैं ना, वो दे सकते हैं इस प्रिविलेज से, सही ना। प्रिविलेजेस में देखिए टू टाइप्स रहते हैं, देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस इन ओरेकल। कौन सा रहता है, सिस्टम प्रिविलेज एंड ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस। जैसे कि मैंने देखी, ऑब्जेक्ट प्रिविलेज एंड सिस्टम प्रिविलेजेस रहता है, सही ना, मतलब दो प्रिविलेजेस रहते हैं। मैं बताता हूँ, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है, उसी तरह सिस्टम प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है। तो चलिए देखेंगे हम पहले सिस्टम प्रिविलेजेस, ठीक है। सिस्टम प्रिविलेजेस मतलब क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन। सिस्टम प्रिविलेजेस आर परमिशन दैट कंट्रोल एक्सेस टू जनरल डेटाबेस ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, ये डेटाबेस को परमिशंस दे सकता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारा सिस्टम रहता है, वो यूजर को डेटाबेस के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम प्रिविलेजेस मतलब ग्रांट परमिशंस दे सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बता दिया था, देखिए सिस्टम प्रिविलेजेस बेसिकली यूज द परमिशंस ऑफ DDL कमांड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया दिया था ना, क्रिएट टेबल करने के लिए, ड्रॉप टेबल करने के लिए, नहीं तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए। लेकिन DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमको मालूम है, क्रिएट, ड्रॉप और टर्नकेट, ये जैसे सभी कमांड DDL कमांड में आते हैं, आपको मालूम है। देखिए एग्जाम्पल, कौन से हम प्रिविलेजेस दे सकते हैं, क्रिएट सेशन दे सकते हैं, क्रिएट टेबल कर सकते हैं, क्रिएट यूजर करने के लिए दे सकते हैं, उसी तरह अल्टर यूजर का दे सकते हैं, क्रिएट एनी टेबल, ड्रॉप एनी टेबल, सेलेक्ट एनी टेबल्स, DBA रोल, ये प्रिविलेजेस है। मैंने बेसिकली सम ऑफ द प्रिविलेजेस दिया है इधर, मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते टाइम में आपको मालूम हो सकता है, सही ना। देखिए एक फ्यू ऑफ द मैं सम प्रिविलेज इंपॉर्टेंस कौन सा प्रिविलेजेस है जो हम सिस्टम प्रिविलेजेस दे सकते हैं यूजर को, वो मैंने अभी इधर
नोट करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, ग्रैंड सेशन मतलब क्या है, अलाउ यूजर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, मतलब ग्रैंड सेशन क्या करेगा, मतलब ये प्रिविलेज है जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को दे सकता है। क्या है, अलाउ यूजर टू कनेक्ट डेटाबेस, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ग्रैंड सेशन क्रिएट सेशन का प्रिविलेज हम दे सकते हैं। देखिए इसका सिंटेक्स मैंने लिख के रखा है, ग्रैंड लिखना है क्रिएट सेशन टू यूजर नेम, जो हमने यूजर नेम रहता है ना उसका नाम, कुछ भी जो आपने यूजर नेम क्रिएट किया रहता है वो यूजर नेम आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल सेशन में, आप जस्ट देख लीजिए कौन सा प्रिविलेजेस है, हम प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। देखिए, क्रिएट टेबल अलाउज द यूजर टू क्रिएट अ टेबल इन अ स्पेसिफाइड स्कीमा, मतलब ये क्या करेगा, अलाउ करेगा टेबल क्रिएट करने के लिए, मतलब यूजर में टेबल क्रिएट करने का ये प्रिविलेज दे सकता है। देखिए, ग्रैंड क्रिएट टेबल टू यूजर नेम, मतलब यहाँ है जो यूजर नेम है उसका नाम देंगे, जो भी है क्रिएट टेबल टू। सिमिलर सा है, देखिए क्रिएट यूजर, यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, अलाउ यूजर टू क्रिएट अदर यूजर्स, मतलब दूसरा यूजर क्रिएट करने का प्रिविलेजेस भी हम दे सकते हैं। देखिए, ग्रैंड क्रिएट यूजर टू यूजर नेम, ये सिंपल सा है, सेम आएगा, ओनली जो वर्डिंग्स है ना चेंज होते जाएगा। इधर देखिए, अल्टर यूजर आएगा, अलाउ यूजर टू अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर यूजर्स, सेम उसी तरह ग्रैंड अल्टर यूजर टू यूजर नेम देंगे, जो भी हमारा यूजर नेम है उसी तरह। क्रिएट एनी टेबल, क्या है, अलाउज अ यूजर टू क्रिएट अ टेबल इन एनी स्कीमा, मतलब स्कीमा में हम कौन सा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स देखिए, ग्रैंड क्रिएट एनी टेबल टू यूजर नेम। ड्रॉप एनी टेबल, ड्रॉप एनी टेबल मतलब ड्रॉप टेबल कैसे कर सकते हैं, उसका भी हम प्रिविलेज दे सकते हैं। अलाउज अ यूजर टू ड्रॉप टेबल इन एनी स्कीमा, ग्रैंड ड्रॉप एनी टेबल टू यूजर नेम, ये इसका सिंटैक्स है। मैंने दिया है जो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिविलेजेस है मैं आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट एनी टेबल अलाउज अ यूजर टू सेलेक्ट फ्रॉम एनी टेबल इन अ स्कीमा, उसी तरह ग्रैंड सेलेक्ट एनी टेबल टू, मतलब सेलेक्ट को मालूम है आपको, मतलब सेलेक्ट करके रीड कर सकते हैं, मतलब जो रीड करने का भी परमिशंस हम दे सकते हैं। उसी तरह डीबीए रोल आता है, प्रोवाइड्स यूजर विद ऑल डेटाबेस सिस्टम प्रिविलेजेस, मतलब सभी प्रिविलेजेस प्रोवाइड यूजर टू विद ऑल डेटाबेस सिस्टम प्रिविलेजेस, सभी सिस्टम प्रिविलेजेस हम डीबीए का इस सिंटैक्स से दे सकते हैं। देखिए, अभी ये तो हो गया ग्रैंड का, मतलब सिस्टम हमने क्या किया दिया है, मतलब जो परमिशंस दिया है उसी तरह हम परमिशन वापस कैसे लेंगे, उसके लिए भी सिंटैक्स है। मतलब ये देखिए, रिवोक क्या है ना, ओनली ग्रैंड के जगह रिवोक लिख दिया, और इधर टू है ना, टू के जगह फ्रॉम लिखना पड़ेगा, मतलब उधर से लेने का, इतना ही डिफरेंस है रिवोक और इसका। देखिए, टू रिवोक अ सिस्टम प्रिविलेज यू कैन यूज द रिवोक स्टेटमेंट, मतलब रिवोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल दिया है, देखिए, रिवोक प्रिविलेज नेम फ्रॉम यूजर नेम, मतलब ये जो प्रिविलेज नेम है, जैसे कि मैंने अभी देख दिया था, सेलेक्ट एनी टेबल, ड्रॉप एनी टेबल, जो भी है ना मैंने दिया था वो इधर लिख सकते हैं, और इधर फॉर्म लिखना है, इधर टू रहता था, इधर फॉर्म लिख दिया, तो जो भी हमने प्रिविलेजेस दिया रहता है सिस्टम का, जो हम रिवोक कर सकते हैं। ये है थ्योरेटिकल पार्ट, तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे, जो जो मैंने आपको बता दिया था ना उसका हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा प्रिविलेज मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने इधर लिख के रखा है आपके लिए एक एक प्रिविलेजेस, ठीक है। अभी देखिए, मेरा ये मैं क्रिएट टेबल करना चाहता हूँ, एक मैंने लिख के रखा है, देखिए क्रिएट टेबल, इधर कुछ भी लिख सकते हैं आप, न्यू, देखिए इधर देखिए मैं लिखता हूँ, एक प्रवीण करके टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, आपको मालूम है क्रिएट टेबल कैसे कर सकते हैं। देखिए मैं क्रिएट किया, तो इधर क्या आ गया, देखिए इधर एरर आ रहा है, सही ना, क्या आ गया है, देखिए, आस्क यूर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू डेसिग्नेट सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर टू ग्रैंड यूर नेसेसरी प्रिविलेजेस, मतलब इसको प्रिविलेजेस नहीं है, ये मेरा नया यूजर है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कैसा नया यूजर को क्रिएट करने का, वो देख लो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा नया कैसे क्रिएट करते, ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। देखिए, ये हमने टेबल क्रिएट नहीं किया, प्रवीण को क्या है, एक प्रवीण टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हम, क्यों, क्योंकि हमने बीटा को टेबल क्रिएट करने का परमिशंस नहीं दिया है। अभी देखिए, मैंने इधर लिख दिया है, देखिए ये है, क्या है, ग्रैंड क्रिएट टेबल टू बीटा, ये बीटा हमारा यूजर है ना, उसको इधर मैंने लिखा है क्रिएट टेबल का, अलाउ द यूजर टू क्रिएट अ टेबल इन अ स्पेसिफाइड स्कीमा, ये स्कीमा है बीटा, स्कीमा है यूजर स्कीमा, आपको मालूम है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, मतलब आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ग्रैंड क्रिएट टेबल, अभी हम क्या किए,
ये सिंटेक्स मैंने बता दिया था, इधर देखिए, अलाउज यूजर टू क्रिएट अ टेबल इन अ स्पेसिफाइड स्कीमा, मतलब इसमें टेबल क्रिएट करने का प्रिविलेज देगा। देखिए ये मेरा सिस्टम है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस का, ये एडमिनिस्ट्रेटर स्कीमा है, मतलब जो मैंने इसके पास सभी प्रिविलेजेस है, ये ओनर है, जैसे समझो ये कंपनी का ओनर है, ठीक है, इसके पास सभी प्रिविलेजेस है। ये क्या करेगा, अभी बीटा को एक प्रिविलेज देगा, प्रिविलेज मतलब परमिशन देगा। अब देखिए मैं रन करता हूँ, देखिए ग्रांट सक्सीड, मतलब क्या होगा, अभी ग्रांट दिया है, मतलब परमिशन दिया है। अभी देखिए ये एरर आता था ना, देखिए अभी मैं इसी को रन करके दिखाता हूँ, देखिए टेबल प्रवीण क्रिएटेड, सही ना, टेबल प्रवीण क्रिएट हो गया, क्योंकि वो परमिशन, उसने परमिशन दिया तभी इसको एक्सेस कर सकता है। अभी देखिए सेलेक्ट स्टार स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रवीण, अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ, देखिए टेबल क्रिएट हो गया क्योंकि हमने इंसर्ट नहीं डेटा किया। अभी हम इसमें डेटा को इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, आपको मालूम है इंसर्ट डेटा का सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू प्रवीण वैल्यूज, वैल्यूज क्या है, वन, नेम देंगे राहुल, ये इनोटेड कमा में डालना है, मालूम है आपको। देखिए इसको अभी हम रन करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, क्या आता है देखिए, देखिए नो प्रिविलेज ऑन अ स्पेस यूजर्स, मतलब इसमें हमने प्रिविलेजेस नहीं दिया, हमने क्या दिया है प्रिविलेज, ओनली ओनली टेबल को क्रिएट करने का प्रिविलेज दे दिया, समझ में आ जाएगा ना, आया ना, मतलब देखिए इसी में आपको समझ में आ जाता है, जैसा कि ओनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या किया है, आपको ओनली टेबल क्रिएट करना है, उसमें आपको डेटा इंसर्ट करने का परमिशंस नहीं है। अभी देखिए मैंने इधर करने का दे दिया, ठीक है, अभी देखिए इंसर्ट करने का डेटा तो वो ऑब्जेक्ट प्रिविलेज में आता है, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, लिख के रखता हूँ, देखिए ग्रांट इंसर्ट, मतलब इंसर्ट प्रिविलेज देंगे ऑन प्रवीण, मतलब कौन सा टेबल है ना उसका ये देंगे, मतलब जैसे कि उसको प्रिविलेज देना है ना, हमको उसका प्रिविलेज देना है, डॉट बीटा लिखना पड़ेगा, बीटा डॉट टेबल है टू, इधर क्या है, कौन सा यूजर है, बीटा, देखिए इंसर्ट इनटू, इसको हम रन करेंगे, मतलब ये क्या है प्रिविलेज है, देखिए ग्रैंड सक्सीडियर आ गया ना, मतलब क्या है ये बीटा है ना, ये यूजर का नेम लिखना पड़ेगा, मतलब कौन सा यूजर नेम का टेबल है ये लिखना पड़ेगा, सही ना, ये टेबल का नेम लिख दिया, इधर यूजर नेम लग दिया, सही ना। अभी क्या है, ग्रैंड किया है इंसर्ट डेटा करने के लिए, अभी बीटा में जाके हम इसको रन करेंगे, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, अभी देखिए ये क्या एरर आ रहा है, प्रिविलेजेस ऑन टेबल स्पेस, मतलब प्रिविलेजेस ग्रांट नहीं हुआ है प्रवीण टू, देखेंगे इसको रन करके, डजंट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं हुआ करके बोल रहे हो, बीटा डॉट टू ग्रांट इंसर्ट, सही ना, ग्रांट सक्सीड हो गया, इसको हम वन ये एरर आउट हो रहा है। अभी हम ये कमांड रन करेंगे, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू बीटा, मतलब प्रिविलेज को हम बीटा को प्रिविलेज देंगे कि सभी प्रिविलेज ग्रांट सक्सीडेड। अभी हम देखेंगे इधर इंसर्ट इन टू, देखिए वन रो इंसर्ट हो गया ना, मतलब अभी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रिविलेजेस दे दिया, सही ना। देखिए उसी तरह सभी है, आई होप कि आपको मालूम हुआ होगा कि प्रिविलेज का मतलब क्या होता है। देखिए क्रिएट यूजर, मतलब ये क्या कर सकता है, क्रिएट यूजर टू यूजर नेम, मतलब इधर हम यूजर को क्रिएट करने का प्रिविलेजेस दे सकते हैं,
बीटा मतलब मैं ये यूजर नेम बीटा है ना, मैं बीटा लिख रहा हूँ। आप जैसे कि कुछ भी है वो लिख सकते हैं, उसी तरह अल्टर है, अल्टर का प्रिविलेजेस दे सकते हैं, सभी सेम है। जो प्रिविलेजेस है मैंने सिंटेक्स लिख के रखा है, देखिए ग्रैंड हो रहा है, एक क्रिएट एनी टेबल, टेबल क्रिएट करने का सभी प्रिविलेजेस दे सकता है। बीटा लिख रहा हूँ मैं, मेरा यूजर नेम है। ये हो गया सिस्टम प्रिविलेजेस, मतलब ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप का प्रिविलेजेस है, ड्रॉप बीटा। अभी देखिए अभी ये सभी प्रिविलेजेस आ गया, ठीक है। मैं आप क्या करता हूँ, रिवोक का आपके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए रिवोक कैसा करेंगे, अभी मैंने बोला था ओनली ग्रांट की जगह क्या लिखना है हमको, रिवोक, मतलब परमिशन वापस लेंगे, रिवोक। इधर टू की जगह क्या लिखेंगे, फ्रॉम, मतलब उधर से लेने का। अभी देखिए मैं इधर से ले रहा हूँ पूरा, ठीक है। अभी देखिए रिवोक सक्सेसफुल, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर में जाके मैंने पूरा का पूरा इसका परमिशन ले लिया। अभी हमने क्या किया था, ये टेबल क्रिएट किया था ना, अभी देखिए ये रन करेंगे, सही ना। अभी देखिए ये रिवोक परमिशंस हो गए। अभी हम टेबल क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो वो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने परमिशंस रिवोक कर दिया है। देखिए जैसे कि इधर मैंने क्रिएट का बोल दिया था ना, रिवोक, इधर देखिए मैं रिवोक का लेता हूँ, रिवोक क्रिएट सेशन फ्रॉम बीटा, रिवोक ग्रांटेड, क्या बोल रहा है, सिस्टम प्रिविलेज नॉट ग्रांटेड टू, यस, मतलब ग्रांट नहीं हुआ करके बोल रहा है। अभी देखिए मैं इधर अभी क्रिएट टेबल करना चाहता हूँ, अभी देखिए एक मैं एक दूसरा टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि राहुल समझो, राहुल, ठीक है। हमने अभी क्या किया है, प्रिविलेजेस ले लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा टेबल क्रिएट करके दिखा रहा हूँ आपको, ये रन करो, देखिए मतलब सभी प्रिविलेजेस क्या बोल रहा है, आपने लिया है कि बोल दो कि एडमिनिस्ट्रेटर को हमको प्रिविलेज देने के लिए, ये एरर बता रहा है, सही ना दोस्तों। आई होप कि आपको सिस्टम प्रिविलेजेस के बारे में मालूम हुआ होगा, मतलब प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर स्कीमा मतलब क्या होता है, और नॉर्मल स्कीमा मतलब क्या होता है, नॉर्मल और एडमिनिस्ट्रेटर का डिफरेंस क्या है, उसको क्या क्या पावर्स रहता है, और जो नॉर्मल यूजर्स रहता है उसको क्या क्या पावर रहता है, आपको ये वीडियो में अच्छे तरह से समझ लिया हो गए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस के साथ, तब तक बाय। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें। आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में सजा करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।